दोस्तों, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए एक नए और बेहतर टेक्नोलॉजी की खोज की है। रिसर्चर्स ने अल्ट्रासाउंड एडहेसिव्स नाम से एक छोटा सा बायो एडहेसिव पैच तैयार किया है। इस पैच को 48 आवर्स के लिए हमारे शरीर पर चिपका दिया जाएगा। उस दौरान पैच में लगे सेंसर्स अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से हमारे शरीर के ऑर्गेन्स के फंक्शन लेवल को डेटा के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे। बाद में इस पैच को एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करके सभी ऑर्गेन्स को इमेज के रूप में बारीकी से देखा जा सकेगा। साइंटिस्ट इस पैच का एक वायरलेस वेरेबल वर्जन भी तैयार कर रहे हैं, जिसे हम अपने शरीर पर पहनकर अपने ऑर्गेन्स के फंक्शंस को टाइमली मॉनिटर कर सकेंगे। दोस्तों, स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पीडियड प्रोडक्ट्स एक्ट नाम से एक लॉ पास किया गया है। इस लॉ के तहत गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टैम्पन्स और सैनिटरी पैड्स वहाँ के लोगों को फ्री में बांटना होगा। दोस्तों, इक्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में जानवरों को लीगल राइट्स देने के लिए एक नया लॉ ऐड किया है। इस लॉ के तहत जानवर अपने इकोसिस्टम में अब फ्रीली घूम सकेंगे और पहले की तरह उनका शिकार या उन्हें किसी भी तरीके से यूज करने पर अब पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया है। इससे पहले न्यूजीलैंड, पनामा, मेक्सिको और चिली में जानवरों को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ नए नियम जरूर बनाए गए, लेकिन इस तरीके से जानवरों को अपने संविधान में लीगल राइट्स पहली बार दुनिया में किसी देश ने दिया है। दोस्तों, हांगकांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दुनिया का सबसे सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला हाइड्रोजन फ्यूल सेल का आविष्कार किया है। इस फ्यूल सेल की विशेषता यह है कि इसमें इलेक्ट्रोकेटालिस्ट के तौर पर आयरन, कोबाल्ट और प्लेटिनम मेटल का मिक्सचर यूज किया गया है। इस वजह से फ्यूल सेल पहले से 80% सस्ता और पावर एफिशिएंट बन जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।